दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि काफी जल्दी हमारे BTS का कॉन्सर्ट इंडिया में हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में आप में से काफी सारे लोग BTS के कॉन्सर्ट में जाने के लिए एक्साइटेड भी जरूर होंगे। पर दोस्तों असली सवाल तो ये है कि क्या आप BTS के कॉन्सर्ट में जा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों BTS के कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए काफी सारे रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों इसीलिए काफी सारे आर्मीज के मन में डाउट था कि क्या वो BTS के कॉन्सर्ट में जाने के लिए क्वालिफाइड है या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर कोई BTS के कॉन्सर्ट में जा सकता है। जहां तक दोस्तों BTS के रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस की बात रही, वो सभी रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस बाकी चीजों पे लगाए जाते हैं, लेकिन एज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बहुत ही छोटे से लेकर एक बहुत ही बूढ़े तक ये सभी इंसान BTS के कॉन्सर्ट में बहुत ही आराम से जा सकते हैं और उनके सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों छोटे लोगों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। दोस्तों जो भी लोग 18 साल से छोटे होते हैं और BTS के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, वो अकेले उनके कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते। दोस्तों वैसे तो हमेशा ही 18 से छोटे उम्र वाले लोगों को अपने किसी गार्जियन के साथ BTS के कॉन्सर्ट में जाना पड़ता है। यानी दोस्तों अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपको अपने साथ किसी बड़े इंसान को लेकर जाना पड़ेगा और टिकट में आप दोनों का ही टिकट लगेगा। यानी सिर्फ आपके टिकट में वो इंसान आपके साथ नहीं जा सकता। और साथ ही साथ दोस्तों छोटे बच्चों को और 18 से कम उम्र वाले लोगों को स्टैंडिंग एरियाज में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यानी दोस्तों वो एरियाज जो स्टेज के काफी पास होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी भीड़ होती है और अगर BTS अपनी कोई भी चीज वहाँ पर फेंक दे तो काफी भद्दड़ भी मच सकती है, जिसकी वजह से छोटे लोगों को और कम उम्र वाले लोगों को या फिर डिसेबल लोगों को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता उनकी सेफ्टी की वजह से। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ उस वेन्यू या फिर स्टेडियम पे डिपेंड करती है। दोस्तों काफी सारे स्टेडियम्स या फिर वेन्यू खुद अपनी एज रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और उनके हिसाब से उतनी एज से ऊपर वाले लोग ही कॉन्सर्ट में जा सकते हैं। और दोस्तों इसीलिए बाकी क्या रेस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स रहेंगे ये तो हमें तभी पता चलेगा जब BTS इंडिया में कहाँ अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं इस बात को अनाउंस करेंगे और उनकी गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो दोस्तों इसीलिए कॉन्सर्ट में जाने से पहले हमेशा कॉन्सर्ट के वेन्यू की गाइडलाइंस देखना काफी जरूरी होता है, ताकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको सारे रूल समझ में आ गए या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।